पूरा रोकड़ा दोगे? चलेगा ना? हाँ चलेगा। ना कोई मुझे तो नहीं पसंद। आरती एग्जाम में अच्छे नंबर पसंद है ना? ये आई अब तू ही खाने से आ जाएंगे। कब कब हर चीज में उल्टे सवाल करती है ये। ना कोई मुझे लेट हो रहा है। फिर बाबा तुझे छोड़ देंगे। ना को मैं फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ। गाई ठीक है अच्छे से लिखना। मनीषी ये तो गो आहो जरा हेमंत से बात कीजिए ना, ये एसी तीसरी बार खराब हो गया है। लगता है इस एसी का ना अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। मैं हेमंत को बोल देता हूँ कि इसे भंगार में बेच के नया लगवा दे। मनोज चल मेरे साथ चल। अरे दुकान में चल कुछ सीखेगा। बाबा मैं दोपहर को आता हूँ डब्बा लेकर। संतोष वो रजिस्ट्रेशन के पेपर रेडी है? कब के रेडी है? मनीषा वहीनी से जाके ले लेना और रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके जमा करना। और वो रजिस्ट्रार के लिए कुछ मिठाई का डब्बा? अंधारे साहब से मैं बात कर लूंगा, तू तैसा टेंशन क्यों ना कुछ। ठीक है बाबा। नमस्कार भाऊ। यही है ना वो कागजात? हो ही नहीं, यही है। आई इसी के लिए किसी को बुलाया था तूने? हाँ हेमंत आने वाला था, उन्होंने दो आदमी भेजे। हेमंत आने वाला था वो क्यों नहीं आया? ताई हेमंत दादा को अर्जेंट में एक साइट पे जाना पड़ा, हम उनके वर्कशॉप में काम करते हैं। अच्छा ठीक है, एसी उस बेडरूम में है, जाकर देख लो।
अरे मनोज, घर में दूध खत्म हो गया है बेटा, ले आना। कितना लाऊं? एक लीटर। ये मेरी भाभी है मनीषा वैनी, मेरे बड़े भाई रामनाथ काळे की पत्नी। रामनाथ काळे, आपकी बीवी मर चुकी है। पता है, किसी ने फोन किया था। सर, अलमारी विलमारी तो जैसे कि वैसे ही है, कोई चोरी तो नजर नहीं आ रही यहां पे। मेरा बेटा मनोज हॉस्पिटल में है, कातिलों ने उस पर भी हमला किया है। छोटे बड़े पकड़कर 10 टांके लगे हैं, बट नाउ इज आउट ऑफ डेंजर। बात कर सकती हूँ उससे? थोड़ा रुक जाइए, बहुत रो रहा है, शॉक में है इस वक्त। वैनी से कागजात लेकर मैं निकल रहा था, तब वो दोनों बाहर हॉल में ही थे। हेमंत खुद आने के बजाय उसने एसी ठीक करवाने के लिए 2 आदमी भेजे थे। ये बात तो हमें आपके छोटे भाई संतोष ने बताई है। अंदर के कमरे में मैं वैनी से कागजात ले रहा था तो मनोज आया, बोला 2 आदमी आए बाहर, कह रहे कि हेमंत ने भेजा। फिर मैं घर चला गया, 10-1 मिनट बाद मैंने मनोज की चीखें सुनी। मैं बाहर आया, देखा मनोज घायल हो गया, खून बह रहा था। मैं अंदर आया, देखा तो वैनी ऑफ हो चुकी थी। किसी चोरी या लूट की कोशिश भी नहीं हुई, एसी को टच भी नहीं किया उन्होंने। इसी कमरे का एसी था ना? हाँ, हमारा बेडरूम। रामना जी, मुझे इस एसी वाले हेमंत का नंबर और एड्रेस चाहिए। सर, मनोज काळे शौक में है, उसे सेडेट किया गया है। एक कांस्टेबल वार्ड के बाहर लगा दो, बच्चे ने कातिलों के चेहरे देखे हुए, वो लोग उसे रास्ते से हटाने की कोशिश कर सकते हैं। ओके सर। सर, ना ही कोई चोरी हुई ना लूटपाट, सिर्फ मर्डर। मनोज की माँ मनीषा का मर्डर और मनोज पर हमला हुआ है। लगता है दोनों कातिल मर्डर करने के इरादे से ही आए थे। और काय बोलते हैं साहब, मेरे यहाँ से 2 लोग गए थे एसी रिपेयर करने, रामनाथ भाऊ के घर पे। उन दोनों ने बताया था कि वो दोनों तुम्हारे वर्कशॉप से आए। लेकिन साहब, रामनाथ भाऊ का काम हमेशा मैं खुद ही करता हूँ, तो मैं किसी और को क्यों भेजूंगा? और मुझे तो मालूम भी नहीं था कि उनका एसी खराब हुआ है। मतलब रामनाथ काळे के घर से तुम्हें कोई फोन आया ही नहीं था? नहीं साहब, मुझे कोई फोन नहीं आया एसी रिपेयर को लेकर। तेरी आई मर गई। नहीं, नहीं। तेरे आई को किसी ने मार डाला। नहीं पापा, आप झूठ बोल रहे हो। मैंने
मानती मुझे मुझाई को देखते मुझाई से मिल ले मामा भाई आई के तेरे मामा गले पर वार इतनी जोर से हुआ था कि लगभग सारी नसें कट गई। ब्लीडिंग काफी हुई होगी और शायद विक्टिम चिल्लाई भी नहीं होगी क्योंकि आस पड़ोस में किसी ने चीखे नहीं सुनी। इंस्टेंट मौत हो जाती है अक्सर। वैसे विक्टिम का बेटा कैसा है? आउट ऑफ डेंजर, अब वार्ड में शिफ्ट किया है उसे। पर अजीब बात यह है कि घर से एक पैसा भी चोरी नहीं हुआ है। सर एक और अजीब बात हुई है, वो एसी रिपेयर करने वाला हेमंत कह रहा था कि उसने रामनाथ काड़े के घर किसी को भेजा ही नहीं था। वो तो ये भी कह रहा था कि उसे मालूम ही नहीं था कि रामनाथ काड़े के एसी में कोई प्रॉब्लम हुई है। ये कैसे हो सकता है राणे? मैडम मेरी आई ठीक है ना? कहाँ है मेरी आई? बोलिए ना मैडम कहाँ है मेरी आई? वो ठीक है ना? मनोज तुम्हारी आई नहीं रही। आई देखो हिम्मत रखो और हमें बताओ कि क्या हुआ था, कैसे हुआ? मेरी है आई 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 पर मैंने कब कहा कि मैंने हेमंत को फोन किया था एसी रिपेयर करने के लिए? तो हेमंत ने अपने आप से दो लोगों को भेजा? मुझे नहीं पता, आप हेमंत से क्यों नहीं पूछते? सर हेमंत को बुलाया, 5 मिनट में पहुंचेगा यहाँ। तुम्हारे बोले बगैर तुम्हारा एसी मैकेनिक हेमंत तुम्हारे घर पर दो लोगों को क्यों भेजेगा? साहब मैं बोल लो ना तेला बेचारा। वो दो लोग तुम्हारे घर पर आए, तुम्हारे बीवी का कत्ल किया, बेटे की जान लेने की कोशिश की, पर घर से 1 रुपया भी नहीं चुराया। क्यों मारा होगा तुम्हारी बीवी को? मुझे पता होता तो ऐसा होने देता मैं। साहब कुछ तो बड़ा झोल है इसमें। मतलब? साहब मैं वहां पे था, कागजात पढ़ रहा था, तभी मनोज वहां पे आया और कहने लगा वहीनी से कि हेमंत ने 2 आदमियों को भेजा है एसी रिपेयर करने के लिए। मैंने उनसे पूछा कि कौन हो, क्या काम है, तो उन्होंने कहा कि उन्हें हेमंत भाई ने भेजा। हेमंत भाई ने भेजा तुम दोनों को? हाँ, हेमंत भाई बोले बेडरूम का एसी है, इसीलिए मैं उन्हें अंदर ले गया। आई एसी के लिए किसी को बुलाया था तूने? हाँ हेमंत आने वाला था। फिर आई ने भी उनसे पूछा हेमंत आने वाला था वो क्यों नहीं आया? ताई हेमंत दादा को अर्जेंट में एक साइट पे जाना पड़ा, हम उनके वर्कशॉप में काम करते हैं। पक्का तुमने उन दोनों को पहले कभी नहीं देखा था? नहीं मैडम कभी नहीं देखा। क्या तुम उनका हुलिया बता पाओगे हमारे स्केच आर्टिस्ट को? ट्राई करूंगा मैडम, मैंने उन्हें देखा तो था लेकिन अब सब धुंधला लग रहा है। मैंने भी ठीक से ध्यान नहीं दिया, बस एक नजर पड़ी उन दोनों पर। फिर भी जितना याद आए बताते जाना, काम आएगा हमारे। हे काय साहब, ये मेरे साथ गुनेगार के जैसा सुलूक क्यों कर रहे हो, और वो भी इस लॉकअप में? क्योंकि एक संगीन जुर्म हुआ है, कत्ल, और कातिलों ने तुम्हारा नाम लिया है। मैंने अपने सारे टेक्नीशियंस को आई कार्ड दिया हुआ है और वो सब आई कार्ड का कॉपी मैंने आपके वो राणे साहब के पास सबमिट किया हुआ है। मैंने रामनाथ भाऊ के घर किसी को नहीं भेजा। नहीं, इनमें से तो कोई नहीं लग रहा है। फिर से देखो ध्यान से। नहीं मैडम। बाइक का नंबर याद है? नहीं मैडम, बाइक बाहर पार्क थी और मुझे थोड़ी पता था वो ऐसा कुछ कर देंगे। क्या कभी उन लोगों ने एक दूसरे को नाम से बुलाया था? नहीं मैडम, मतलब मुझे याद नहीं, मैंने सुना नहीं था, मुझे बस वो आई पड़ी हुई थी, मुझे आई से एक बार मिलना है मैडम। रामनाथ भाऊ के घर के सारे एसी मैंने ही बिठाए हैं और उसका मेंटेनेंस मैं खुद करता हूं, दूसरे किसी को नहीं भेजता, तो इस बार क्यों भेजता? और माला फोनच नहीं आला कोणाचा, तो मेरे क्या सपने में आएगा क्या? सर ये प्लान मर्डर लग रहा है। मनीषा काले ने अपने पति रामनाथ को बेडरूम का एसी ठीक कराने को बोला था और इस बात को आड़ में रखकर 2 हत्यारों को भेज दिया गया। मर्डर के अलावा उन दोनों ने किसी चीज को छुआ तक नहीं। लगता है अटैक का मकसद ही था मनीषा का मर्डर। मनीषा ने मनोज को दूध लेने भेजा, ये एक इत्तेफाक था, चांस था, वरना ये 2 हत्यारे मनोज का भी कत्ल कर देते शायद। ये रामनाथ काले, इसके शक्ल से व्यवहार से ऐसा लगता नहीं है कि अपनी बीवी के मर्डर का इसे दुख हुआ है। सर मैंने आसपास से पता लगाया, इस रामनाथ काले का टिम्बर मार्ट है, होलसेल का बिजनेस है, काफी पैसे वाला आदमी, इलाके में भी धोधोबा इसका। पूरी हिस्ट्री निकालो इस रामनाथ काले की। हेमंत को रामनाथ ने कॉल नहीं किया था एसी के लिए। हेमंत भी यही कह रहा है सर,
कि उसे कहीं और से कॉल आया ही नहीं। फिर भी दो लोग वहां मैकेनिक बनकर पहुंचते हैं। बेटा मनोज कहता है कि उसने इन दोनों को पहले कभी नहीं देखा। हेमंत सच बोल रहा है क्योंकि ये दोनों जरूर किराए के हत्यारे होंगे और वहां सुपारी को अंजाम देने गए थे। अब सवाल ये है कि ये सुपारी दी किसने? कई सौदे नगद कैश में हो रहे थे, गल्ले में ढेर सारा कैश आ रहा था रोजाना। क्या इसका मनीषा काळे के कत्ल से कोई ताल्लुक था? रामनाथ काळे की कोठी पर आए दोनों हत्यारों का मकसद काफी साफ मालूम हो रहा था, लेकिन ये कत्ल किसने और क्यों करवाया था, इस सवाल का जवाब एक गहरे कोहरे में लुप्त था और इन्वेस्टिगेटिंग टीम को इस कोहरे को हटाना था। एसी खराब हुआ था सुना? मनीषा काळे ने कभी इस बारे में आपसे जिक्र किया? मेरी ज्यादा बात नहीं होती थी, वो थोड़े बड़े लोग हैं ना। नहीं नहीं, मनीषा वैसे सबसे घुलमिल कर रहती थी, बस थोड़ी बात कम किया करती थी। एसी खराब हुआ था बोल रहे हैं, उसी बहाने ठीक करने आए थे ऐसा सुना मैंने। वो तो नहीं पता, लेकिन अजीब लगता है इतने बड़े आदमी के घर ऐसे कैसे कोई घुस आया। बाबा मैं कॉलेज आ रही हूँ। संभल के जाना। मनोज, ए मनोज एक काम कर, बाबा के साथ दुकान पर चला जा, तेरा मन लगा रहेगा। मैडम बात की पड़ोसियों से, लेकिन एसी खराब होने वाली बात तो मनीषा ने किसी से की ही नहीं। शारदा कोई ना कोई तो जानता था कि उनके बेडरूम का एसी खराब है। इसी जानकारी का फायदा उठाकर वो हत्यारे घर में घुस पाए और कत्ल कर पाए। पर एसी वाली बात घर वालों के अलावा और कौन जान पाएगा? घर वाले, ये मनीषा और रामनाथ की बेटी आरती काळे, क्या स्टोरी है इसकी? कोई बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड? ऐसे खुलम खुला तो कुछ नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आई का मर्डर हुआ है तो सब दबा दबा हो। पड़ोसियों ने भी कुछ नहीं कहा वैसे। और ये रामनाथ काळे? आसपास वाले लोग बोले कि कभी कभार वो काफी देर से घर आता था और कभी कभी तो आता ही नहीं था, कहीं और जाता था। वो एंगल तो अभी सामने नहीं आया मैडम। किसी और बात को लेकर पति पत्नी में झगड़े? लोग बोलते नहीं है मैडम, डरते हैं, पैसे वाला है ना। संतोष काळे का कहना है कि वो पक्का नहीं बता सकता। काफी जोर देना पड़ा मुझे, उसके बाद ये निकल पाया। पता नहीं हमारे काम के हैं भी या नहीं। जिन हत्यारों को हम ढूंढ रहे हैं उनके हुलिये शायद इससे अलग होंगे। एक काम करो, और थोड़ा फाइन पॉलिशिंग करा।
श्योर नहीं हूँ मैडम, पर उनमें से कुछ ऐसा दिखता था। पक्का नहीं है क्योंकि सब कुछ इतने जल्दी जल्दी में हुआ। वो कागजात मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए दे दिए। एक दो दिन में बात करता हूँ अंदर से। भाऊ वो पुलिस लोगों से पूछताछ कर रही है, सवाल कर रही है। काम है उनका मर्डर केस है। लेकिन भाऊ मुझे लग रहा है वो मुझ पर भी थोड़ा शक जैसा कुछ कर रहे हैं। उन्हें उनका काम करने दो। राम राम भाऊ। बोला कि राम राम साहब। साहब एक तो नासिक सिटी और दूसरा सिन्नर मार्केट, दोनों जगह फील्डिंग लगा दो। इसके लिए भोसले साहब दो लेडीज है, एक है रमा पावस्कर, नासिक सिटी में धंधा करती है। दूसरी सुरेखा शिरके करके एक भाई है, शादीशुदा औरत है, सिन्नर मार्केट से थोड़ा दूर घर है उसका। साहब ये रमा पावस्कर है नासिक वाली, ये आपके रामनाथ काली की फिक्स है, और ये जो दूसरी है सुरेखा शिरके, उसके साथ तो सालों से चक्कर चल रहा है। रमा पावस्कर। कौन तुम्ही? पुलिस। सुरेखा शिरके। ओके, क्या बात है? बात तो अब पुलिस स्टेशन में ही होगी। पुलिस स्टेशन? मैंने क्या किया है? यहाँ पर बात शुरू हुई तो तुम्हारे अफेयर की बात खुलेगी, और वो बात तुम्हारी वाट लगा सकती है सुरेखा शिरके। क्या फिर? मुंह संभाल कर बात करो, मैं एक शादीशुदा शरीफ घर की औरत हूँ। अच्छा, बोला अपने पति को, सास ससुर को, जेठानी देवरानी को, फिर सबके सामने पूछती हूँ कि रामनाथ काले कौन है और तेरा क्या लगता है? काले साहब हाँ आते नहीं मेरे पास। कब से? ये कोई 5-6 साल हो गए रहेंगे। यहाँ रह भी जाते थे? हाँ रह भी जाते कभी कभार। तुम्हारी आखिरी बैठक कब हुई थी? कल रात को। तो मनीषा काले का मर्डर तुम्हारे काले साहब ने अकेले किया था या तुमने उनका साथ दिया था? हथियारों के स्केच हैं, उतने सही नहीं है, लेकिन फिर भी बताओ कि इन दोनों को किसने भेजा था काले की कोठी पर? बघा मैडम, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे मेरे धंधे को खतरा हो। आणि तसं पण काळे साहब कोई अकेले नहीं है जो मेरे महफिल में खास है। यहाँ हार बैठने वाला खास होता है और सबका खास ख्याल रखना पड़ता है। तो इस खास ख्याल के दौरान कुछ खास बातें भी होती होंगी? हाँ होती है ना, हर महफिल में होती है। रामनाथ काळे ने तुमसे क्या खास बात की? वही जो हर दूसरा करता है, अपने घरवाली की थोड़ी सी बुराई और मेरी ढेर सारी तारीफ। तुम पर ढेर सारे पैसे भी खर्च करते हैं? मैडम अभी यही तो मेरे कमाने के दिन है। अभी ये कोई प्राइवेट नौकरी तो है नहीं कि जो हर साल पगार बढ़ती रहे, और ना ही सरकारी नौकरी जो बुढ़ापे के बाद वो पेंशन वगैरह दे दे। रामनाथ काले की पत्नी का मर्डर हुआ है, उसका बेटा बाल बाल बचा है। बुरा लगा सुन के। नहीं सच में बहुत बुरा लगा। अगर पता चला कि तू शामिल थी? नहीं पता चलेगा। देखो मैडम, और कुछ पता करना है तो पूछो, वरना माफ करो। सुरेखा शिरके, रामनाथ काले के घर पे जो दो लोग गए थे वो कौन थे? मला नाही माहित। सुरेखा, रामनाथ काले के साथ पिछले 6 साल से तुम्हारा अफेयर चल रहा है? हाँ साहब चल रहा है, लेकिन मैं मना नहीं कर रही। और जाहिर सी बात है ये सब तुम्हारे पति के पीठ पीछे चल रहा होगा। उनको कुछ नहीं पता, मगर हम दोनों अपनी लिमिट जानते हैं। पर लिमिट तो क्रॉस हो गई है सुरेखा जी। मनीषा काले का मर्डर हुआ है, आपके बॉयफ्रेंड रामनाथ काले की बीवी, किसने मर्यादा पार की? सिर्फ रामनाथ ने या तुमने भी साथ दिया था उसका? मनीषा को मरवा के मेरा कुछ फायदा नहीं हो सकता, और रामनाथ जी भी ऐसा नहीं कर सकते। फिर किसने मारा? पता होता तो पहले ही बता देती ना, क्यों अफेयर के बारे में सुनती बैठती? किसी और के मुंह से सुनने में अच्छा थोड़ी ना लगता है।
रामनाथ के छोटे भाई संतोष काड़े के फोन रिकॉर्ड से भी कुछ हाथ नहीं लगा। सर उस एसी वाले हेमंत पे भी नजर रखवाई थी मैंने, कुछ निकला नहीं। मनीषा का रामनाथ काड़े के पास एसी के बारे में शिकायत करना, ठीक उसी दिन हेमंत का नाम लेकर दो हत्यारों का वहां आना और मनीषा को मारना, कुछ ज्यादा ही इत्तेफाक है। सर इस वक्त रामनाथ काड़े के खिलाफ कुछ भी नहीं है हमारे पास, और संतोष काड़े के खिलाफ भी कुछ नहीं है। शायद इस केस में, उस घर में, उन जिंदगियों में ऐसा कुछ तो है जो हमारी नजर से पूरी तरह से चूक गया है, और वो इसलिए क्योंकि वो हमसे पूरी तरह से छुपाया गया है। भाव पूर्ण चार बेटे आए। अरे लेकिन भाव गिन तो लो। तूने दिए तो पूरे ही हो गए, नहीं हो गए तो तू भाग थोड़ी जाएगा। राम राम साहब। साहब ये खबर आपके कितने काम की है पता नहीं। बोल फटाफट। साहब ये मनीषा काले मर्डर केस में बाइक इस्तेमाल हुई थी ना? हाँ दो लोग थे, बाइक पर आए फिर भाग निकले। इधर नासिक हाईवे को लगकर एक दिवाकर ऑटो मार्ट है, छोटा सा है, मैंने ऐसे ही बात छेड़ दी उधर सेकंड हैंड बाइक के बारे में। आगे? तो आगे उसका मालिक है दिवाकर, बात बात में बोला इधर एक बंदा है ललित पवार करके, इधर ही नासिक का है। साहब उसने पिछले 1.5 साल में 2 बाइक और 1 कार खरीदी है। हाँ तो? पूरा रोकड़ा देकर, 1-1 रुपया कैश। हाँ तो मनीषा मर्डर केस को लेकर खबर क्या है? साहब मैं पहले ही बोला आपको, ये खबर आपके कितने काम की है पता नहीं। ठीक है भोसले, तू कोशिश करते रहे। टिम्बर का बिजनेस है रामनाथ का, ज्यादातर कैश में होता है और होलसेल में ट्रेडिंग करता है। ये भोसले खबरी ने जो बात बोली, ललित पवार, 1 कार 2 बाइक ऑल कैश, क्या उसका कोई कनेक्शन हो सकता है रामनाथ से? सर इस वक्त कनेक्शन सिर्फ कैश है। सुपारी में कैश ही तो सबसे बड़ा कनेक्शन होता है। इस ललित का रामनाथ के साथ कैसा कनेक्शन बनता है ये देखना अभी बाकी है, पर राणे कभी कभी अजीब सी टिप भी हमारे केस को झटके में सॉल्व कर देती है। तो उठवा लो इस ललित पवार को। उछला देना, लेकिन सवाल जनरली रखना कैश को लेकर, कि इतना सारा हार्ड कैश उसके पास आया कहां से? ब्लैक मनी, कैश की अंधेरी मार्केट में पुलिस एक तीर मार रही थी, एक चांस ले रही थी। कुछ गाड़ियों की खरीदी में इस्तेमाल हुए कैश की छानबीन की गई, जिसका मौजूदा इन्वेस्टिगेशन से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा था, लेकिन पुलिस का चलाया गया ये तीर निशाने पर लग गया। ये गाड़ी किसकी है? ये गाड़ी माझी है साहब। कभी कहती? साहब हो गए 9-1 महीने। सुना दिवाकर को पूरा कैश दिया तूने? हो साहब दिया। सुना इसके पहले तो किराए की गाड़ी चलाता था, नासिक शिरडी अप डाउन प्राइवेट टैक्सी। हो मैडम बरोबर। और तूने इतना सारा कैश इकट्ठा किया, ये फुल कैश में गाड़ी खरीदी? सेकंड हैंड है साहब, बाबा के नाम पे ली है। अच्छा तेरे बाबा ऐसा क्या बिजनेस करते कि उनके पास इतना कैश रेडी पड़ा था? नहीं नहीं बाबा की सिर्फ नाम पे लिए, कैश तो मैंने ही भरी है। आसमान से गिरा क्योंकि तेरे सेठ ने तुझे लोन वोन तो दिया नहीं, पूछा हमने। दरअसल साहब मुझे पैसे मिले। मिले हुआ था? सड़क पे पड़े मिले थे? नहीं किसी ने दे दिए, एक दोस्त ने। ललित पवार नाम क्या है इस दोस्त का? क्या क्या बोला तू? किसने कैश दिया था तुझे? तो ये गाड़ी तेरी नहीं, ट्रैवल वालों की है। हो सर ट्रैवल वाले की। अगर मैं तुझे पैसे दूं अपनी गाड़ी लेने के लिए? आप ऐसे पैसे क्यों देंगे मुझे? क्योंकि मुझे तू चाहिए, जब जब मैं बुलाऊं तब तब तू गाड़ी लेकर आ जाए, जहां भी मैं बोलूं वहां मुझे ले चले, और बाकी टाइम भाड़े उठा कमाई कर, क्या बोलते हैं? गाड़ी खरीदने का रोकड़ा मैं तुझे दूंगा, पूरा का पूरा कैश, बोल मंजूर है? मनोज काले, रामनाथ काले का 15 साल का बेटा, और उसने तुम्हें 3 लाख रुपए कैश दिए थे सेकंड हैंड कार खरीदने के लिए? हाँ साहब, और उसके पहले 1 लाख रुपए दिए थे 2 सेकंड हैंड बाइक खरीदने के लिए। बाइक्स का है? साहब वो तो उन्होंने अपने दोस्तों को दे दी। वो तुझे बुलाता था? किस लिए? कहाँ घूमता था ये 15 साल का मनोज? मनोज भाई शौकीन है। शौकीन? हाँ कभी लॉज तो कभी होटल।
सर ये मनोज 9वीं में दो बार फेल हुआ था तो उसने स्कूल छोड़ दिया था। पर लॉज में किस लिए? साहब वो कई बार अलग अलग लड़कियों को पिकअप करके मुझे वहां ड्रॉप करने बोलते थे। मस्त दिख रही है। कल ही लाई हुई नासिक के मॉल से। संडे को दोबारा जाओ उधर और जो भी ड्रेस पसंद है खरीद लेना। वैसे भी अब मेरे को तेरे पे ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा, निकाल दे इसे। ये 15 साल का लड़का अपने से बड़ी लड़कियों के साथ? दर्जनों लड़कियां है साहब, मनोज भाई इन सब पे बहुत खर्चा करते। इनमें से पहले किसी को देखा है? ये जाना पहचाना सा लगता है। अरे वो तो मतलब सॉलिड है, सिर्फ नोट टिका कुछ भी करेगी तो मिलवा दे। नोट तो है और सब कुछ करना भी है। वैसे भी अपने को रोज कुछ नया चाहिए। नाम पता और कुछ जानते इस बंदे के बारे में? नहीं साहब, लेकिन मैंने इसको भी 2-4 बार लॉज पे ड्रॉप किया है। फिरुन फिरुन का बोलता है, सरल बोला ना। इधर दुकानात मला खूब काम है, फोन वर नहीं बोलू शकत का तुम्ही। हमें तुमसे बात ही नहीं करनी। तो फिर तुम सिर्फ बैठे रहोगे पालक की हैसियत से, क्योंकि कानून के हिसाब से पालक का हाजिर होना जरूरी है जब उसके नाबालिग बेटे या बेटी से पूछताछ होती है। इसलिए तुम सिर्फ बैठे रहोगे जब हम तुम्हारे बेटे मनोज से सवाल पूछेंगे। मेरे बेटे से सवाल क्यों? उसने क्या किया? वो तो हम उसी से पूछेंगे, लेकिन रामनाथ काले यही सवाल अगर तुमने मनोज को सही वक्त पे पूछे होते ना तो आज ये नौबत नहीं आती। और क्या पूछना है मुझसे? वो दो लड़के जो आपके घर आए थे, आपकी पत्नी का कत्ल किया, उनका नाम नंबर और पता चाहिए हमें। अरे मैं इन्हें जानता ही नहीं तो बताऊंगा कैसे? बताया तो था आपको। मुझे और मेरे बेटे को पुलिस स्टेशन क्यों ले जा रहे हो? हमारे साथ चलिए तो सही, सब कुछ पता चल जाएगा। बसा। मनोज ललित को तो तुम जानते ही हो। इसने हमें बताया कि जिस आदमी की स्केच हमने तुम्हारे संतोष काका के कहने पर बनाई थी उसे तुम पहचानते हो। ये नहीं सर, मैं इसे नहीं जानता। पर हम तुम्हें जान गए मनोज। 3 लाख कैश गाड़ी के लिए, 1 लाख कैश 2 सेकंड हैंड बाइक के लिए, नूरी लॉज, खुशबू होटल, हफ्ते में 1-2 बार लड़कियों पर हजारों खर्च कैश। अरे मनोज सच है ये? तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड हमारे पास है, उन दोनों को तो हम जैसे भी ढूंढ ही लेंगे। बेहतर यही होगा कि तुम सच बोल दो। मनीषी ये तो गो आहो, इधर आ, हेमंत से बात कीजिए ना। ये एसी 3री बार खराब हो गया है। लगता है इस एसी का ना अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। मैं हेमंत को बोलता हूँ इसे भंगार में बेच के नया लगवा दे। आज करना है? नहीं बोला है ना आज करना है, निकलो अभी। चलो हो गया? हाँ हो गया। ठीक से हुआ? चेक किया? हो रे बाबा। अरे मनोज घर में दूध खत्म हो गया है बेटा, ले आना। कितना लाऊं? 1 लीटर। चल।
चलो मुझ पे वार करो, हाथ पे हल्के से, आराम से। योगेश और सादिक इस वक्त कहाँ मिलेंगे? बताओ मनोज, क्यों किया ये सब? क्यों मारा है को मनोज? कशाला बाबा, आज खाने में कोमड़ी और सुबह की सब्जी है। हाथ धोले, दोनों मिलके खाते। नहीं बाबा, मैं घर से खाकर आया हूँ, अब खा लीजिए, मैं यही वेट करता हूँ। करता था, बाबा को डब्बा दिया, गले पर बैठा और दो तीन बंडल निकाल लिया। बाबा को कभी पता नहीं चलता था, लेकिन एक दिन आई को मालूम पड़ गया। मनोज, ये ले बाबा का डब्बा, रेडी है, ले जा जल्दी गरम गरम। बाबा को बोलना आज कोलंबी का कालवन बनाया है और पापड़ी की सब्जी, चल ले जा जल्दी। आई अभी टाइम है, जाता हूँ 10 मिनट में। सुन, डब्बा तेरे बैग में रख रही हूं। तू, ये क्या है, क्या है ये? तेरे बैग में इतने सारे पैसे कहां से आए? मैंने पूछा तेरे बैग में ये पैसे कहां से आए? तूने बाबा के गले में से चुराए? नालायक, बेशरम, चोरी करता है, चोरी करता है तू। तुझे बाबा ने यूं त्याज सांगते तन्ना नहीं आए? नहीं बाबा, ना सांगू नको, नहीं माफ कर दे, आए माफ कर दे। तू पहले मुझे बता कि तू इन पैसों का क्या करता है? कुछ नहीं आए। मनोज, मैंने पूछा तू इन पैसों का क्या करता है? आगे से कभी नहीं करूंगा तेरी शपथ। पैर पड़ दो भाई, पैर पड़ दो। तेरे बाबा का सारा धंधा रोकड़े में चलता है, उनके पास गिनने तक की फुर्सत नहीं होती, इसलिए कोई भरोसे वाला चाहिए होता है हाथ बटाने के लिए, इसलिए सारा काम तुझे सिखा रहे हैं। और तू, तू चोरी करता है जबकि कल सब कुछ तेरा ही होने वाला है, तब क्या करेगा? एक हफ्ते में सब कुछ उड़ा देगा। हाँ माफ कर दे, आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। तू ये सारे के सारे पैसे आज अभी गल्ले में वापस रखेगा? हाँ हाँ रखूंगा। आइंदा कभी गल्ले के पैसों को छुएगा? कभी नहीं आए, कभी नहीं। मनोज, मैं रोज रोज के रोज तेरी बैग चेक करूंगी। रोज चेक करना, आगे से कभी नहीं करूंगा ऐसा। देखती हूँ। तू इस बार बाबा को तो नहीं बताएगी ना? ए मनोज, एक 20,000 चाहिए थे, देना। बाद में, अभी नहीं है। भाव क्या खा रहे, दे ना, अर्जेंट है। अरे बोला ना अभी नहीं है। चिल्ला क्यों रहा है बे? तूने जब जब कुछ भी मांगा है मुझसे, मैंने हर चीज के लिए हाँ कहा है ना, और वो भी स्माइल के साथ। देख अब ज्यादा नाटक मत कर, वरना अगली बार भी नहीं दूंगा, समझी? कह रहे मनोज, मूड ऑफ। 2-3 हफ्तों से देख रहा हूँ तुझे, तेरा चेहरा बहुत रुका सूखा सा लग रहा है। जब पानी नहीं मिलेगा तो सब कुछ रुका सूखा ही रहेगा ना। पैसे क्यों नहीं तेरे पास? है एक टेंशन। पैसा है तेरे पास, और ये पैसा है ना हर टेंशन को मिटा देता है। बोल क्या टेंशन है तुझे? आई मेरी, मेरी माँ। अपनी माँ का खून करने के लिए तुमने योगेश और सादिक को कितने पैसे ऑफर किए थे? 4 लाख, जो तुम इन दोनों को मर्डर के बाद देने वाले थे। क्योंकि तुम्हें रोकने वाली, बाबा को बताऊंगी ये धमकी देने वाली तुम्हारी आई रास्ते से हट जाती तो तुम रोज आराम से अपने बाबा के गले से पैसे चुरा सकते थे। इतनी कम उम्र में ये सोच, ऐसा केस मैंने अपने करियर में आज तक नहीं देखा। तुम पर भी कुछ तो असर हुआ ही होगा, अपना खून है तुम्हारा, तुम्हारे ही नाक के नीचे तुम्हारे बेटे ने अपनी माँ का कत्ल किया है।
किराए के हत्यारे सादिक मिर्जा और योगेश वाघमारे गिरफ्तार किए गए। नाबालिग होने के कारण मनोज काड़े को जुवेनाइल रिमांड होम भेजा गया है। मनोज के इस संगीन जुर्म ने उसके पिता, चाचा और बहन को एक गहरे सदमे में छोड़ दिया है। सादिक और योगेश को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 451 के तहत गुनाह करने के लिए किसी के घर में घुसने के लिए और धारा 120 बी के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए गिरफ्तार कर जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए। एक 15 साल का बालक अपने पिता के गल्ले से कैश चुरा कर एक अय्याशी भरी दोहरी जिंदगी बसर कर रहा था, और जब उसकी सगी माँ द्वारा उसकी चोरी पकड़ी गई तब उसने बड़ी निर्दयता से अपनी मां का ही कत्ल करवा दिया। आजकल जरूरतों से ज्यादा हासिल करने की चाहत दुनिया का दस्तूर बन चुकी है, और उपभोग की अनगिनत चीजें इतने आकर्षक और इतने आसान तरीके से उनके इर्द गिर्द मंडराई जाती हैं कि इसके लिए सिर्फ इंसान के लालच को दोष देना जायज नहीं होगा। तो फिर दोष का ज्यादा भार किसको जाना चाहिए? हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं और खुद उदाहरण बन सकते हैं एक सुनहरी कहावत का, सादा जीवन उच्च विचार। ये बेहद जरूरी है कि हम अपने आप को और अपनी आने वाली पीढ़ियों को इस तेजी से बढ़ते कंज्यूमरिज्म यानी कि उपभोगवाद से बचाएं। मनोज इस वक्त बेल पर बाहर है, जो खुद उसके पिता रामनाथ ने करवाई, और अब वो अपने परिवार के साथ रह रहा है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें, और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।